गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन टूडेज क्लास वी कंटिन्यू विद आवर टॉपिक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड उसके बाद वाइस रॉय ऑफ इंडिया डिटेल में पढ़ेंगे। हम सारे इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल करेंगे, ठीक है जी। तो वैसे तो स्टूडेंट्स टोटल 50 के आसपास गवर्नर जनरल हैं, लेकिन सारे के सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, जब रॉयल एक्ट आया था 1919 का, तो उस टाइम पर कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। जब 1909 का एक्ट आया था उस टाइम पे कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं कि गवर्नर जनरल और वाइस रॉय में क्या डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे उनके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और सारी मिलिट्री पावर्स हुआ करती थी। लेकिन जब बाद में 1857 का रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट के बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट हटाकर उनको वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया। मींस अब उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बची थी, कोई भी मिलिट्री पावर नहीं थी। मिलिट्री पावर्स जो थी ये सारी इंग्लैंड की क्वीन ने अपने हाथ में ले ली थी। और इसके अलावा जो कंपनी का कंट्रोल था, जो कंपनी के राइट्स थे, वो भी क्वीन ने अपने हाथ में ले लिए थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जब भारत में गवर्नर जनरल्स आए तो उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट हमारे देश में किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं इस चीज़ की। तो बेसिकली आपको पता होगा कि अभी तक हम पढ़ चुके थे कि जो फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने वॉर लड़ी थी, आप कह सकते हो कि 1757 में, स्टूडेंट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, ठीक है जी। इस बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लाइव नाम का एक अंग्रेज अफसर, जो कि नवाब सिराजुद्दौला को हरा देता है, जो नवाब ऑफ बंगाल था, इस बैटल को जब रॉबर्ट क्लाइव जीतता है, तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देन रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो नेक्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर इंडिया आता है उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। स्टूडेंट्स, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ हुआ है, वॉरेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वॉरेन हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड कितना था? 1772 से लेके 85 तक, 1772 से लेके 1785 तक। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये जब इंडिया आता है तो ये कुछ रिफॉर्म्स भी करता है, ठीक है, अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। सो ही बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1772। जो वॉरेन हेस्टिंग्स था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बना था? 1772 में, ठीक है जी। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इसके टाइम पर पास हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ब्रिटिशर भारत आए तो इंडिया में कुछ ब्रिटिश मर्चेंट्स अपनी कंपनी लगाने के लिए आए थे, अपने कंपनी सेटअप के लिए आए थे, तो जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके ओपन की थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करना चालू करती है, अपना ट्रेड शुरू करती है, ठीक है, इंडिया के साथ, और अपना सारा बिजनेस, अपना सारा ट्रेड सेटअप इंडिया में करती है और इंडिया से बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है, ठीक है जी, तो उस मुनाफे के बाद उनके पास कुछ पावर्स आ गई थी। उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी इंडिया में हायर कर ली थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे जो लोग, ठीक है, तो वो प्राइवेट ओनर्स थे बेसिकली। तो उसके बाद होता क्या है कि उन्होंने इंडिया में वॉर लड़नी भी शुरू कर दी, ठीक है। तो ये जो वॉर्स हुई और इसके बीच में जो नुकसान हो रहा था, जो घाटा हो रहा था, इस चीज़ को देखते हुए, प्लस कंपनी में कुछ
अंग्रेज करप्शन कर रहे थे, उस करप्शन लेवल को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो आपको नाम से पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, कंपनी राइट्स को रेगुलेट करने के बारे में। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था स्टूडेंट्स, इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, और जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा वो डायरेक्ट इंग्लैंड से जो है कंट्रोल करेगा, जो ऑर्डर देगा, जो ऑर्डर पास करेगा वो सब कुछ मानने पड़ेंगे। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट जो है किसके टाइम पे बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स पे। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया यही आएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था वो किसके टाइम पर इंडिया में बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स के। ठीक है जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिवाइडेड बंगाल इंटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड अपॉइंटेड कलेक्टर्स एंड अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स। हाँ जी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब अंग्रेज़ों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बंगाल के ऊपर हो गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या काम किया, उसने पूरे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ठीक है जी, जिनका काम होगा रेवेन्यू कलेक्ट करना, कलेक्टर्स, फाइनेंशियल ऑफिसर्स, इनको नियुक्त करना शुरू किया। तो जो ज़मींदार होते थे, ज़मींदार जो अपना टैक्स वगैरह पे करेंगे, जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर जाके वो अंग्रेज़ों को पे करेंगे, ठीक है जी, जो ब्रिटिशर्स के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको पे करेंगे। तो इस तरीके से इसने ये काम शुरू किया। हाँ जी, इस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ जी, अंग्रेज़ों ने जो है भारत में पहली कोर्ट ओपन की थी, इंडिया की पहली सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर, कलकत्ता में। किसके टाइम पे हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने शुरू की थी, विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने शुरू की थी, विलियम जोन्स ने। कब की थी, 1784 में। विलियम जोन्स एक अंग्रेज अफसर था जिसने अपने लेवल पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल शुरू की, ठीक है जी, किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, और इसके टाइम पर ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। हाँ जी, मतलब कि इस अंग्रेज अफसर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे भागवत गीता को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, किसने किया, किसके द्वारा, चार्ल्स विल्किंसन। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और काम भी हुए थे, ठीक है, इसके अलावा इसके टाइम पीरियड पे कुछ वॉर्स भी हुई थी। कौन सी वॉर थी, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इसके टाइम पे हुई थी, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे, एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड इट वॉज एंडेड विद ट्रिटी ऑफ सालाबाई। 1776 से लेके 1782 के बीच में जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी वो किस तरीके से ख़त्म हुई, विद ट्रिटी ऑफ सालाबाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ट्रिटी ऑफ सालाबाई किसको लेके हुई थी, एंग्लो मराठा वॉर को लेके। मतलब कि जो अंग्रेज़ों के बीच में और मराठाओं के बीच में जो वॉर हुई थी, उस वॉर को ख़त्म करने के बाद आपस में उनमें एक समझौता हुआ, उनमें एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को किस नाम से जाना जाता है, ट्रीटी ऑफ सालाबाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इसके टाइम पे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, कब हुई थी, 1780 से 1784 के बीच में, 1780 से 84 के बीच में हुई थी, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, एंडेड विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि पुराने ज़माने में जब कोई भी वॉर होती थी तो वो वॉर के बाद हमेशा एंड में ट्रीटी होती थी, ठीक है, मतलब जब युद्ध ख़त्म हुआ, जब वॉर ख़त्म हुई, तो आपस में अंग्रेज़ों के बीच में और जो जो मराठा रियासत या मैसूर रियासत के जो हेड थे, ठीक है, जो भी रियासतों के, जो भी स्टेट्स के जो हेड थे, प्रोविंसेस के हेड थे, उनके साथ अंग्रेज़ कोई ट्रीटी साइन करते थे, मतलब आपस में कोई समझौता करते थे, ठीक है, कि अब दोबारा वॉर नहीं होगी, इसके बदले में आप हमें ये दोगे, हम आपको ये देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों की ट्रीटी इनके साथ हुई थी, ठीक है जी। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे ख़त्म हुई थी, विद ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी। तो हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स करेंगे, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को भूलना मत, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है जी। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ,
वॉरन हेस्टिंग्स ने बंगाल को अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया और वहाँ पर कलेक्टर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट किए। इसके टाइम पर जी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में खोली गई, ठीक है जी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके टाइम पर शुरू हुई, किसने शुरू की थी? विलियम जोन्स ने। कब शुरू की थी? 1784 में। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको एज इट इज़ रटा होना चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है? विद ट्रिटी ऑफ सालाबाई। एंड सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है? विद एंडेड विद ट्रिटी ऑफ मैंगलोर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टूडेंट्स टेक योर टाइम, नोट डाउन दीज पॉइंट्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा अंग्रेज अफसर था जिसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म किए इंडिया में। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एज अ फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम इसने ही शुरू किया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक ऐसा अंग्रेज ऑफिसर था जिसने पहली बार पर्सनल कॉडिफाइड लॉज बनाए, मतलब कि कॉडिफाइड लॉ मीन्स कि जैसे कि एक ऐसा अंग्रेज अफसर था जिसने कोर्ट्स में अगर कोई हिंदू है, किसी हिंदू का केस है, तो उसके लिए प्रॉपरली भागवत गीता आएगी, ठीक है जी, जो उसकी शपथ ग्रहण करेगा, और प्लस उसको जो भी लाइक पनिशमेंट देनी है उसके लिए एक ब्राह्मण आएगा, ठीक है। वो ब्राह्मण जो भी मनुस्मृति में जो भी उसके लिए जो दंड जो भी पनिशमेंट है जो लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। सेम अगर कोई मुस्लिम है, मुस्लिम के लिए जो कुरान शरीफ में जो भी उनका मौलवी आएगा, ठीक है जी, जो भी कुरान शरीफ के अकॉर्डिंग उसको उस समय कसम खानी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है जी, जैसे कि आप देखते हो कि कोर्ट्स में होता है मूवीज़ में, तो जो भी उसको फिर सज़ा बनती होगी, जो मौलवी उसको बताएगा, जज को बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, ठीक है, उस पर्सन को क्या सज़ा देनी चाहिए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर जज जो है उसको सज़ा सुनाता था। तो मतलब कि पहली बार किसी ने यहाँ पर एक बड़े लेवल का जो जुडिशियल रिफॉर्म किया था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड कितना था? 1786 से लेकर 1793 के बीच में। सो फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज इन 1793, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? परमानेंट सेटलमेंट इज रिलेटेड विद लैंड सेटलमेंट्स। परमानेंट सेटलमेंट मीन्स कि जहाँ पर जो किसान हैं वो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, ठीक है, जो खेतों में काम करने वाले पीजेंट्स हो गए, और जो खेतों से अनाज पैदा कर रहे हैं जो किसान वो लोग हो गए, तो वो लोग ज़मींदार को एक फिक्स रेट ऑफ परसेंटेज के ऊपर टैक्स पे करेंगे, ठीक है, और ये अमाउंट उनको पे करनी ही है हर हालत में, और जो ज़मींदार है उनसे हर हालत में टैक्स लेके अंग्रेजों को देगा ही देगा, ठीक है। तो इस तरीके के कानून पास किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है जी। तो क्या होता था कि ज़मींदार बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे पीजेंट्स को, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ज़मींदार, अगर मान लो अंग्रेजों ने ज़मींदार को कह दिया कि हमें साल का 100,000 रुपये इकट्ठा करके दे किसी भी तरीके से, और ज़मींदार जो होता था वो एक की जगह पे जैसे 200,000 या 300,000 भी इकट्ठा कर लेता था, लेकिन आगे अंग्रेज़ों को वो 100,000 ही देता था, ठीक है। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और सेटलमेंट्स भी आए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसने इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को स्टार्ट किया था, ठीक है। उस टाइम पर इस एग्ज़ाम को ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कहा जाता था, ठीक है जी। आज की डेट में इसको IAS का एग्ज़ाम या फिर UPSC जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को, सेम वही चीज़ है। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स ने इंडिया में स्टार्ट की थी। डिस्ट्रिक्ट जजेस नियुक्त किए इसने, ठीक है जी, मतलब कि हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाई गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जजेस नियुक्त किए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ इसके टाइम के ऊपर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी,
जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी इट वॉज एंडेड विद ट्रिटी ऑफ श्रीनंगापट्टनम। ठीक है जी, तो श्रीनंगापट्टनम की ट्रिटी में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो समाप्त की गई थी, और किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस के टाइम पे। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसे कहा गया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवॉलिस। ठीक है जी, नेक्स्ट इज लॉर्ड वेल्सली। तो स्टूडेंट्स जो लॉर्ड वेल्सली था इसका टाइम पीरियड था 1798 से लेके 1803 के बीच में। इससे पहले लॉर्ड जॉन शोर आया था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, लॉर्ड वेल्सली जो था इसका टाइम पीरियड था 1798 से लेके 1803 के बीच में। लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम सब्सिडरी अलायंस की। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब क्या है कि जब लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना तो उसने एक ऐसा कानून बनाया कि अब कुछ इंडियन जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं उनके पास अंग्रेज जाते हैं, कहते हैं कि आप हमारे साथ एक सब्सिडरी अलायंस करिए, ठीक है, एक समझौता करिए, एक अलायंस हम में होगा जिसमें कि हमारी जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं परमानेंट आपके परमानेंट स्टेशन बना के रहेंगी आपके महल के बाहर, आपकी टेरिटरी के बाहर हमारी ब्रिटिश फोर्सेज छावनी बना के रहेंगी। ठीक है, मतलब कि परमानेंट फोर्सेज का परमानेंट स्टेशन होगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको कोई खतरा नहीं है, अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन कोई बाहरी हमला आप पर होता है तो वो परमानेंट फोर्सेस पहले जो है उस हमले से उस वॉर से लड़ने के लिए उस एक्सटर्नल एग्रेशन से वॉर करने के लिए रेडी रहेंगी। तो इस तरीके से ब्रिटिशर कहते हैं कि उस परमानेंट स्टेशन की फोर्स का जो भी खर्चा होगा, जो हमारी आर्मी आपके टेरिटरी के बाहर रहेगी छावनी बना के, उसका जो भी खर्चा होगा वो आपने मेंटेन करके रखना है। तो कई सारे राजा महाराजाओं को लगता था ये बिल्कुल सही है, अंग्रेज कहते हैं हम आपके किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, दखल अंदाजी नहीं देंगे। तो इस तरीके से कई रूलर्स को लगा ये बात सही है, अच्छी चीज़ है। और फिर जाके उसके बाद होता क्या है कि अंग्रेज धीरे धीरे उन प्रिंसली स्टेट्स को एक्वायर करने लग जाते थे, खुद हड़पने लग जाते थे। सबसे पहले ये परमानेंट सेटलमेंट जो है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने किया, उसके बाद राजपूत रूलर्स सिंधियाज भोसलेज, ठीक है, जो मराठास थे, इन्होंने भी परमानेंट सेटलमेंट की, और कुछ रूलर्स ने जो परमानेंट सेटलमेंट करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, उसके खिलाफ अंग्रेज़ों ने लड़ाई लड़ी। ठीक है जी, जैसे टीपू सुल्तान जो था, तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उसे फोर्सफुली कहते हैं कि हमारे साथ तू यही सब्सिडरी अलायंस कर, लेकिन टीपू सुल्तान वो सब्सिडरी अलायंस करने से मना कर देता है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू किया था, सब्सिडरी अलायंस किया था लॉर्ड वेल्सली ने। तो देखो अंग्रेज कितने इंटेलिजेंट थे, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस करते थे। अब जो राजा उस आर्मी का खर्चा नहीं उठा पाएगा, जो राजा उस परमानेंट फोर्स को पे नहीं कर पाएगा, देन फिर अंग्रेज क्या कहते थे, आप माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हो, आपसे अपनी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अपनी स्टेट आपसे नहीं चलाई जा रही है, अब आपकी स्टेट को हम चलाएंगे। ठीक है, तो वो फोर्सेस ही उस राजा के महल को, उस राजा की स्टेट को कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया एक उनकी आप कह सकते हो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी। इन 1800 ही सेट अप फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके टाइम पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। ठीक है जी, अब देखो अंग्रेज़ों ने, अब कोई भी अगर फॉरेन से अंग्रेज आ रहे हैं इंडिया, ठीक है, उनको इंडिया के बारे में स्टडी कराना, इंडिया की नॉलेज देना, ठीक है, और कैसे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करना है, इस चीज़ की स्टडी इस फोर्ट विलियम कॉलेज में होने लग गई। ठीक है, तो बहुत फेमस कॉलेज है, आज भी है फोर्ट विलियम कॉलेज, कहाँ पर है, कलकत्ता में। कब ओपन हुआ था, 1800 के टाइम पे। किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड वेल्सली के टाइम पे। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इन 1799, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, कहता जी प्रेस को सेंसर कर दो, कोई भी चीज़ न्यूज़ में अखबार में या मैगजीन में प्रिंट हो रही है छप रही है,
हमारे बारे में क्या छापा जा रहा है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर कुछ भी हमारे खिलाफ़ छापा जा रहा है उस चीज़ को बैन करो, जो भी अंग्रेज़ों के बारे में जो अच्छी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं उसको स्प्रेड करो, ठीक है। तो मतलब कि प्रेस के ऊपर भी इसने सेंसरशिप कर दिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में आप सबको पता होगा स्टूडेंट्स, तो उसका भी काम यही रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉर्ड वेल्सली ने बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स किए थे, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अभी हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में समझा जी, परमानेंट सेटलमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसके टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जजेस नियुक्त किए गए, इसने डिस्ट्रिक्ट जजेस नियुक्त किए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम के साथ ख़त्म होती है। लॉर्ड वेल्सली सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब क्या होता है आप समझ चुके हो कि अंग्रेज़ों की जो परमानेंट फोर्सेज हैं वो परमानेंट फोर्सेज सेटलमेंट करके रहेंगी, जो भी प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं जो भी सब्सिडरी अलायंस करेंगे उनके टेरिटरी के बाहर, उनके महल के बाहर, ठीक है, छावनी बना के रहेंगे, ठीक है जी। 1800 में इसने फोर्ट विलियम कॉलेज खोला और प्रेस को सेंसर कर दिया 1799 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इनको रीड कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक योर टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉर्ड मिंटो फर्स्ट क्यों लिखा है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो एक बाद में भी आएगा 1909 के टाइम पे, 1909 में, ठीक है जी। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का टाइम क्या है, 1807 से 1813, 1807 से लेकर 1813 के बीच में। अभी जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट है, तो फर्स्ट का मतलब ये है ये अंग्रेज अफसर पहले आ गया था जो सेकंड आया था उससे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, मिंटो सेकंड एक अलग है, ठीक है जी, ये मिंटो फर्स्ट है। तो लॉर्ड मिंटो जो है इसके टाइम पे ट्रिटी ऑफ अमृतसर हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ट्रिटी ऑफ अमृतसर किस अंग्रेज अफसर के टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे ट्रिटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1809 में, किसके साथ, अमृतसर वाले रीजन का कौन था राजा, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है जी। तो जो महाराजा रणजीत सिंह था ये अमृतसर से लेके इनका जो रूल था वो अमृतसर, पाकिस्तान, पेशावर, ठीक है जी, काबुल, कंधार तक, तो लगभग वो सारा का सारा रीजन उस टाइम पे महाराजा रणजीत सिंह का पंजाब हुआ करता था, और उस टाइम के पंजाब की इनकी कैपिटल लाहौर हुआ करती थी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी, ठीक है, बेसिकली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था स्टूडेंट्स कि ब्रिटिशर्स ने आप ये कह सकते हो कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो ट्रीटी की थी वो इसीलिए की थी, अंग्रेज कहते कि हम जो हैं आपको लाइक लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट वॉर ऑफ टेक्निक्स, ये सब कुछ सिखाएंगे, ठीक है, आप हमारे साथ ट्रीटी करो। तो हम जो राजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने 1809 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन कर लेते हैं अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन बाद में अंग्रेज जो हैं इनके साथ गद्दारी करते हैं, और फिर उन्होंने एंग्लो सिख वॉर्स लड़ी थी, ठीक है, टोटल 4 एंग्लो सिख वॉर्स हुई थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके टाइम पे चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813 आया था, ठीक है जी, जिसमें क्या था, एंडिंग द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर्ड एक्ट स्टूडेंट्स बेसिकली एक इंग्लैंड से एक चार्टर्ड आता था, ठीक है जी, एक आप कह सकते हो कि जिसमें कि कुछ ऑर्डर होते हैं उस चार्टर्ड एक्ट में, और जिसमें कहा जाता है कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मोनोपोली को ख़त्म किया जाए, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोनोपोली होता है कि कंपनी का एकाधिकार, ठीक है, मोनोपोली स्टूडेंट्स ये एक इकोनॉमिक्स टर्म है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब होता है कि मार्केट में किसी चीज़ पे किसी सिर्फ एक ही बंदे का, एक ही कंपनी का राइट है, ठीक है, दैट इज़ मोनोपोली। मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे कि मार्केट में जब जियो आया, ठीक है, तो उस टाइम पे जियो ने सबको फ्री में इंटरनेट दे दिया, ठीक है जी, रोज़ का 4 GB आप फ्री में यूज़ करो, तो कंपनी ने वहाँ पर अपनी मोनोपोली सेट कर ली, ठीक है, एग्जांपल ले लो एक ऐसी, ठीक है। तो मार्केट में कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको सिर्फ आप ही सेल आउट कर रहे हो, आपके पास उस चीज़ का राइट है, तो वो होगी आपकी मोनोपोली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ख़त्म कर दिया चार्टर एक्ट 1813 में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट्स, ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके टाइम पे हुई थी? लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। ठीक है जी, नेक्स्ट इज लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम कितना था? 1813 से लेके 1823 तक, 1813 से 1823 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड था। स्टूडेंट्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स को वॉरेन हेस्टिंग्स से कंपेयर बिल्कुल मत करना। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग था, इसका नाम सिर्फ हेस्टिंग है। ठीक है, उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। तो लॉर्ड हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पे एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी, 1813 से लेकर 1823 तक ही चली थी। मतलब अंग्रेज़ कभी नेपालियों को, गोरखाओं को हरा नहीं सके, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। नेपाल को अंग्रेज़ कभी एक्वायर भी नहीं कर सके। नेपाल एक ऐसी कंट्री रहा है, एक ऐसी स्टेट रहा है जिसको कि अंग्रेज़ों ने कभी भी एक्वायर नहीं किया, या आप कह सकते हो कि अंग्रेज़ नेपाल को एक्वायर कर ही नहीं पाए। उसके कई सारे कारण थे। ठीक है, जो गोरखास होते थे बेसिकली वो वॉर टैक्टिक्स में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो एडवांस थे। ठीक है, और अंग्रेज़ जो हैं कभी भी उनसे वॉर में प्रॉपरली जीत नहीं पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इंट्रोड्यूस्ड रॉयतवाड़ी सेटलमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जाता है कि रॉयतवाड़ी सेटलमेंट जो है क्या थी। सेम अभी आप परमानेंट सेटलमेंट पढ़ के आ चुके हो, जो परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में थी वही रॉयतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास में थी। मतलब कि मद्रास में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किसानों से लगान वसूलने का, टैक्स वसूलने का जो सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम का नाम रखा था रॉयतवाड़ी सेटलमेंट। तो रॉयतवाड़ी सेटलमेंट किसने शुरू किया था? मद्रास में थॉमस मुनरो ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है जी, बहुत बार SSC CPO CGL में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ पड़ा है, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार स्टेट्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, रॉयतवाड़ी सेटलमेंट जो है वो मद्रास में हुई थी। ठीक है जी, रॉयतवाड़ी सेटलमेंट किसके टाइम पे हुई थी? उस टाइम कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और रॉयतवाड़ी सेटलमेंट जब हुई थी किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। ठीक है जी, थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो अंग्रेज अफसर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ पिंडारीज 1817। जो पिंडारी हुआ करते थे बेसिकली स्टूडेंट्स, उनका बहुत बड़ा उस टाइम पे आतंक था, लोगों को बहुत बड़ा डर था पिंडारियों से। पिंडारी कौन थे? बेसिकली एक किस्म से डाकू थे। तो ऐसे डाकू थे जो बड़े बड़े शाहूकारों को लूट लेते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स को लूट लेते थे। ठीक है, तो जब सभी मर्चेंट्स इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े आप कह सकते हो बिजनेस ट्रेडर्स इकट्ठे होते हैं, तो वो सब अंग्रेज़ों के पास जाते हैं, कहते हैं हम आपको इतना टैक्स पे करते हैं और बदले में हमारा ही सामान जो है वो डाकू लूट रहे हैं और आपकी पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बहुत बड़े लेवल पे पिंडारीज को सप्रेस किया था, पिंडारीज के आतंक को ख़त्म किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सारे इम्पॉर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको वीडियो बार बार देखनी है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो की PDF स्टूडेंट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो टेक योर टाइम, इस वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, कोई भी आपको डाउट लगे आप PDF फाइल में देखो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप डाउट्स पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी एंड अवर सेशन। थैंक यू।